न्याओ, औरत मार्च, फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जितनी ज्यादा बात होती है ना, उतनी ही कम बात टॉक्सिक फेमिनिज्म और ये जो गंदी औरतों की रैंडी रोना वाली चीजें होती है ना, उनके बारे में। टॉक्सिक फेमिनिज्म जो है वो भी अपनी पीक पर है कि औरतें जो भी कह लें या जो भी कर लें, दे कैन इजिली गेट अवे विद इट, रो के ओ माई गॉड मैं तो एक औरत हूँ। ऐसी टॉक्सिक औरतें जो होती है ना, वो अपने अराउंड बाकी फीमेल्स के लिए भी किसी अजाब से कम नहीं होती हैं, क्योंकि जो मर्जी हो जाए इन्होंने हमेशा जो है ना वो माहौल खराब करना होता है, ऐसी बातें करनी होती हैं जिससे इनके अराउंड मेल्स हों या फीमेल्स हों वो हर्ट होते हैं, और लिजिट दिल में ये आ रहा होता है यार मैं इसकी शक्ल ही मैंने क्यों देखी है। लेट मी शेयर विद यू जो मेरे अकॉर्डिंग कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ट्रेट्स हैं इन टॉक्सिक औरतों के अंदर। नंबर वन, डजेंट मैटर कि ये होम मेकर हैं या अर्न करती हैं, कैरियर वाली हैं, इनके अराउंड जो चार मेन मर्द होते हैं ना, जिनके अंदर इनका बाप, भाई, हस्बैंड और बेटा होता है, हर वक्त ये इनके बारे में नैगिंग करती रहती है, लाइक मेरा बाप नहीं अच्छा, मेरा भाई नहीं अच्छा, मेरा हस्बैंड नहीं अच्छा, मेरा बेटा नहीं अच्छा, लाइक दे आर नॉट गुड इनफ, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लाइक हर वक्त जो है ना वो उनकी बुराई है। नंबर टू, विक्टिम मेंटेलिटी, ये इनकी स्पेशल आइटम है, दुनिया में जो भी जहाँ भी कैसे भी हो रहा है ना वो इनके अगेंस्ट हो रहा है, और इनके अगेंस्ट कोई ना कोई जो बंदा है ना वो प्लॉट लगा रहा है इनको नुकसान पहुँचाने के लिए। हर सिचुएशन को ये मोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगी कि हमारे साथ ये हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा नुकसान हो गया, फलाने को हमारी परवाह नहीं, टमकाने को हमारी परवाह नहीं, हालांकि अच्छी खासी इनकी लाइफ चल रही होती है। नंबर थ्री, हर वक्त का एक फजूल कंपटीशन और कंपैरिजन हर किसी से, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जौन सा मर्जी रिलेशनशिप हो, हर वक्त अपने आप को किसी ऐसे बंदे से या ऐसी सिचुएशन से कंपेयर करके या कंपटीशन में डालकर खुद भी अपनी मेंटल पीस खराब करेंगी, और जो इनके पास लोग होंगे ना, अपने जो रिलेशन होंगे, उनको भी हर वक्त जो है ना वो मेंटली फक करती रहेंगी। नंबर फोर, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी, कभी भी खुश नहीं होंगी, चाहे इनका जौन सा मर्जी रिलेशनशिप इनके लिए जो मर्जी कर दे, जौन सा मर्जी सेक्रीफाइस कर दे, जो मर्जी एक्स्ट्रा ओवर द बोर्ड जाके इनके लिए कुछ कर दे, ये कभी भी खुश नहीं होंगी। वो जो एक लाइन है ना कि सेटिस्फाई यहाँ पर मैं हो जाती हूँ, वो इनकी कभी भी नहीं हो सकती, चाहे वो एक्शंस में हो, चाहे वो किसी फाइनेंशियल सेंस में हो, लाइक किसी भी सेंस में जो है ना, ये नहीं कह सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब आ चुका है ये, या मैं हैप्पी हूँ। नंबर फाइव, हर वक्त ये देखना कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है और उनको ये बोलना ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, मिस परफेक्शन जो है ना वो हर वक्त इनके अंदर डली रहती है कि मैं ही, मेरे से ज़्यादा बेहतर जो चीज़ है ना वो कोई और कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से ज़्यादा कुकिंग कोई अच्छा नहीं कर सकता, मेरे से ज़्यादा मेकअप कोई अच्छा नहीं कर सकता, मेरे से ज़्यादा घर कोई अच्छा मैनेज नहीं कर सकता, हस्बैंड को, भाई को, फादर को, इनके सब जो सारे काम होते हैं ना, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा कर ही नहीं सकता, और पूरी फैमिली को, पूरे रिलेटिव्स को मुझसे ही सीखना चाहिए क्योंकि मैं हूँ परफेक्शन की एक एग्जाम्पल। नंबर सिक्स, ये बहुत बड़ी कंट्रोल फ्रीक्स होती हैं, दे आर ऑलवेज़ लाइक कि हमसे पूछ कर ये चीज़ की जाए, चाहे वो रिलेशन बड़ा हो या छोटा हो, बिकॉज दे थिंक कि परफेक्शन इनसे ज़्यादा किसी को किसी भी काम में आ नहीं सकती, दे नो एवरी थिंग अबाउट एवरी थिंग, ठीक है, और इसी के अंदर जो है दे आर लाइक कि अगर मेरे साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो आपको मुझसे फलानी चीज़ यू नो डिस्कस कर लेनी चाहिए, मशवरा करने में क्या जाता है, बेशक इनको उस चीज़ के बारे में जो है वो 0.001 भी इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन ये इनका ना एक मेंटल पता नहीं कौन सी अपनी चीज़ को ये सेटिस्फाई करने के लिए ये कर रही होती हैं इस तरह। नंबर सेवन, जो हमारी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, 20s के अंदर कोई भी बंदा अगर चला गया ना तो ये ख़ानदान की रिश्ते कराने वाली आंटी बन जाती हैं, दे विल बी लाइक नबील की शादी नबीला से करा दी जाए, शकील की शादी शकीला से करा दी जाए, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, मुझे पता है ये परफेक्ट मैच होना चाहिए, मेरी अगर मेरे हस्बैंड के साथ शादी ना होती तो एक परफेक्ट लाइफ में जी रही होती अगर मुझे खुद ऑप्शन मिलता, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि मैं सबके रिश्ते ख़ानदान में करा सकती हूँ, ख़ानदान से बाहर करा सकती हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा कनेक्शन हैं XYZ, ये सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि इनको वो एक सेलेब्रिटी स्टेटस जो है ना वो दे दिया जाए, और जब ये रिफ्यूज़ हो जाता है तो ये बैक पार्टी इतनी ज़्यादा शुरू कर देती है ना कि इंसान कहता है। नंबर एट, ये बहुत बड़ी नाशुक्री होती हैं इन रियल लाइफ, जैसे कि कंपटीशन में हर वक्त अपने आप को रखी रखती हैं, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ जो है ना अगर ये किसी और पर्सन की जगह पर होती ना, फॉर एग्जांपल शकीला अगर नबीला की जगह होती ना तो वो ज़्यादा खुश रह सकती थी, तो हर वक्त हर किसी को ये कोसती रहती हैं, हर सिचुएशन को ये कोसती रहती हैं, ईच एंड एवरी थिंग को बुरे बुरे तरीके से करती हैं कि हमसे ज़्यादा बुरा विक्टम कोई भी नहीं है। जिस्म के ऊपर अच्छे से अच्छा कपड़ा होगा, प्लेट में अच्छे से अच्छा खाना होगा, बालों में अच्छे से अच्छा क्या कह सकते हैं कंडीशनर होगा, परफ्यूम होगा, ये सारी चीज़ें इनके पास जो इनके अराउंड आदमी हैं या अगर ये खुद अर्न कर रही हैं, जो अच्छे से अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकती हैं इनके पास वो चीज़ ये होगी, लेकिन स्टिल दे विल बी लाइक कि हम मज़लूम हैं, हम विक्टम हैं, दिस एंड दैट।
मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग इनका मेन टूल होता है हर चीज़ के अंदर, जिसके अंदर ये कोशिश कर रही होती हैं कि हम एक सिचुएशन को अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह कर लें, और अगर वो चीज़ फ़कअप हो जाए या उसका ऐसे कोई नुकसान इनके ऊपर आ जाए या किसी और के यू नो ऊपर चला जाए, तो ये इस चीज़ का ना औरत कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। तो ओह माय गॉड, मैं तो मुस्लिम मजबूर औरत हूँ, मुझे पता नहीं है ये है वो है एक्स है वाई जी है, चाहे ये अर्न करती हूँ या ना अर्न करती हूँ, ये इनकी बेसिक जो क्वालिटीज़ है ना मैंने जो टॉक्सिक फीमेल्स में देखी है वो ये वाली सारी जो हैं वो क्वालिटीज़ मैंने देखी हैं। इसमें ऐड करना चाहती हूँ, रिलीजन को ये एज अ पर्दा सिर्फ यूज़ करती हैं अपने लिए, अपने आप को सेव करने के लिए। दूसरों को ये ऐसे जज करेंगी कि लेजिट क़यामत वाले दिन में भी अल्लाह माफ़ करे अल्लाह ने भी इस तरह किसी को जज नहीं करेंगे जिस तरह ये अपने जजमेंट जो है ना वो अगले बंदे के ऊपर डाल देती हैं कि तू जहन्नमी तू जहन्नमी तू जहन्नमी, तुम्हारा दुपट्टा इतना 2 सेंटीमीटर पीछे था, तुम जहन्नमी हो, तुमने रिप्ड जीन्स पहनी हुई है, तुम जहन्नमी हो। खुद किसी को असेस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ऐसे कोई बंदा आपको असेस करने लग पड़ता है कि ठीक है क्योंकि मुझे जो है वो जहन्नम का कार्ड इसने दे ही दिया, तो फिर बंदे के दिल में ऑब्वियसली आता ही है कि ठीक है आप अपने आप को तो पहले देख लो। सो ये सारी चीज़ें मैंने फील की हैं टॉक्सिक फीमेल्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं हर फैमिली के अंदर, ऐसे लोग होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए, इनसे दूर दूर रहना चाहिए। अपने आप को एक वाइट कलर का ड्रेस आप समझो और इनसे दूर रहो, क्योंकि इनकी वाइब्स भी इतनी गंदी है ना कि आप अगर इनके इनसे 100 किलोमीटर भी दूर हो तो ये जस्ट अगर आपको देखेंगे तो आपको गंदा कर देंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उनको कहें वो देखो चिड़िया और उनकी बम पे लात मार के शू शू कर दें, बाय।